स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें लैंग्वेज लॉ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड एंड केस फोर्थ। केस फर्स्ट में मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लूप के करीब लेके आ रहे हैं, तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसके सामने जो लूप का फेस है उस पे, उस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट होने के कारण नॉर्थ पोल क्रिएट होती है, जिससे मैग्नेट के नॉर्थ पोल का रिपल्सन होता है। तो करंट याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स रिपल्सिव, और जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, वो इंक्रीज करेगा, है ना। अच्छा, अगर आपने पुरानी लेक्चर करी होगी तो ये सब आई फील आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। केस जो सेकंड है उसमें नॉर्थ पोल को लूप से दूर लेके जा रहे हैं, तो जब दूर लेके जा रहे हैं ऐसी कंडीशन में लूप में जो नॉर्थ पोल के सामने वाले फेस हैं उन पे क्लॉकवाइज करंट होने के कारण उस लूप में साउथ पोल का क्रिएशन होता है, और ऐसी कंडीशन में जो नॉर्थ पोल जा रही होती है उसका वो अट्रैक्शन कर पाती है, तो यह फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, और जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वो डिक्रीज करता है, करंट क्लॉकवाइज है और जो पोल का क्रिएशन होगा वो कॉइल के प्लेन के एक फेस पे साउथ पोल। जो केस थर्ड है, केस थर्ड में साउथ पोल को कॉइल के करीब लेके आ रहे हैं, लूप के करीब लेके आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उस लूप में क्लॉकवाइज करंट होने के कारण उस साउथ पोल मैग्नेट के साउथ पोल के सामने वाले फेस पे क्रिएट कर लेगा, जिससे मैग्नेट के साउथ पोल का रिपल्सन होगा, तो यह फोर्स रिपल्सिव है, और जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे डॉट इंक्रीज कर रहा है, है ना। और जो केस फोर्थ है उसमें साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, जब साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो उस लूप में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेटअप होने के कारण जो जा रही है साउथ पोल उसके सामने वाले लूप के फेस पे नॉर्थ पोल क्रिएट होती है, जिससे जा रही साउथ पोल का अट्रैक्शन होता है, और यहां पे जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है मतलब डॉट डिक्रीज कर रहा होता है, है ना। तो याद रखिएगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज, जो लूप है उन पे जो नॉर्थ पोल क्रिएशन हो रही है ये बातें, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्ड है वो डिक्रीज कर रहा है, और फोर्स कैसा है, तो फोर्स अट्रैक्टिव है। थैंक यू सो मच।